तो स्वागत है आपका बीके जी में। तो आज मैं बबीता जी के बारे में कुछ रोचक और अतरंगी बातें बताने वाला हूं। और प्लीज वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि ये वीडियो देख के आपको बहुत मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बबीता जी का रियल नेम मुनमुन दत्ता है। उनका रियल एज अभी 33 साल है और उनका चक्कर जेठालाल से नहीं बल्कि उनके बेटे टप्पू के साथ चल रहा है। गजब का साला, इन दोनों के बीच 9 साल का फर्क है। एक और निक प्रियंका हो गए बे। बबीता जी का जन्म 28 सितंबर 1987 को हुआ था और बबीता जी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में रहती है। कुछ भी बोलो भाई, लेकिन जेठा भाई के साथ मस्त सिचुएशन हो रहा होगा अभी। एक तरफ बेटा है, दूसरी तरफ मोहब्बत। साला किसको चुने? रुको भाई, इस लाइन में टप्पू के दादा भी हैं, जरा देखो। And thanks to everyone. Oh my God, thank you so much. Thank you. क्या बात है। इससे पहले जाए मैं एक सबको एक राज यहाँ पे खोलना चाहता हूँ। असल में क्या है, जेठालाल जी जो है वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप पे लाइन मार रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। उसके पीछे का कारण मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जरा एक फोटोग्राफ देखें आप प्लीज। अरे यार क्या है? लगता है बबीता जी गरा खानदान के एक भी लड़के को नहीं छोड़ेगी। भैया जी आप तो बबीता जी कंप्लीटेड मास्टर डिग्री इन इंग्लिश। और क्या आपको पता है कि बबीता जी जब छोटी थी तो दूरदर्शन और आकाशवाणी में चाइल्ड सिंगर थी। अभी तो जेठा भाई अरिजीत सिंह के गाने गा रहे होंगे, पता नहीं कौन कौन से गाने गा रहे होंगे। क्या आपको पता है कि बबीता जी सबसे पहले हम सब भारतीय सीरियल में काम करती थी। उनको सबसे पहला अपना फिल्म रोल कमल हसन मुंबई एक्सप्रेस में मिला था। क्या बात? और उसके बाद 2006 में वो हॉलीडे फिल्म में आ गई थी। अभी तो हॉलीडे पे टप्पू और बबीता जी जा रहे होंगे। भाई जेठालाल का बड़ा गंदा वाला कटा भाई। बबीता जी को बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला था और टप्पू को बेस्ट धोखेबाज बेटे का अवार्ड जेठालाल द्वारा मिलेगा। साला जेठा भाई घर में सांप पाल रहा था, आज उसने डस ही लिया। इसी बात पे हम एक शेर बोलना चाहते हैं जेठालाल भाई के सिचुएशन पे। 98 के बाद आता है 99 और 99 के बाद आता है 100। जिसको बनाना था पत्नी उसके सामने बन गए फादर इन लॉ। तो होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे जाके एक दो वीडियो देख लो। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।